अब हम पढ़ते हुए देखिए, पिछले लेक्चर में हमने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन कर लिया था, हमने उसे अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लिया था। अब हम आपका पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में आपको क्या फर्क होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। देखिए, इन एवरीडे लाइफ द टर्म्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज एज दे आर सेम, बट इन फिजिक्स दिस टर्म डिस्क्राइब डिफरेंट क्वांटिटीज। इस वर्ड पर ध्यान देना भाई सभी लोग, डिस्क्राइब मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी, वो काफी सारी क्वांटिटीज को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है आपका। देखिए, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये कह रहे हैं द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, जो भी आपके पास एक पाथ है उसकी जो एक्चुअल लेंथ होती है, जो कवर करती है आपका ऑब्जेक्ट या आपकी बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, मतलब उसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप डिस्टेंस की बात करोगे उसके साथ ट्रेवल वर्ड हमेशा जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस होती है ना, वो चलते चलते तो होती है। जैसे यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक पॉइंट है हमारा ए। ठीक है, इससे हम चले, हम इस पॉइंट पर यहाँ पर आ गए आपका बी पर। ठीक है, अगर कोई आपसे कहता है बोले आपको ए से बी पर आने में आपका क्या हुआ, तो आप यह कहोगे बोले आप जब ए से बी पॉइंट पर आए तो आपने यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल करी, और डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करी, ये जो पूरा का पूरा इसका रास्ता था, ये रास्ता था आपका पाथ, तो आपने यहाँ से पहले आप यहाँ आए, फिर आप यहाँ आए, या फिर आप यहाँ, इस टाइप से करते करते आपने पूरे इस पाथ को क्या करा, कवर्ड कर लिया, मतलब इस पूरे पार्ट को आपने ट्रेवल कर लिया, तो इसलिए आपको हमेशा कहलाया जाता है डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, और हमने इस डेफिनेशन पढ़ा था एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, जो हमारे पाथ की जो एक्चुअल लेंथ थी, जैसे हमने पूरे को कवर कर लिया, तो हमारी बॉडी ने क्या कवर कर लिया, एक आपका डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, अब इसमें दो चीज, दो तीन चीजें आपके इसके पॉइंट बता रखे हैं, देख लेते क्या। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज डिनोटेड बाय एस और कैपिटल एस। जो आपका डिस्टेंस है वो आपका हमेशा स्मॉल एस से या फिर कैपिटल एस से ही डिनोट करा जाता है, और कभी अगर हम इसकी जगह डी लिख दें तो डी हमारा गलत है, डी हमारा डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं द एस आई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, और इसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल एम से। ठीक, डिस्टेंस की जो एस आई यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, मीटर। हम डिस्टेंस को हमेशा मीटर में लाते हैं, जैसे हम लेंथ है, लेंथ को हम किस चीज में नापते हैं आपकी, मीटर में, तो जो आपकी डिस्टेंस है वो आपका लेंथ कवर ही होता। ठीक है, अब इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये डिस्टेंस जो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। अब डायरेक्शन से हमें क्यों मतलब नहीं होता, देखिए वो मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो ये आपका घर है और ये आपके फ्रेंड का घर है। ठीक है, आपको अपने घर से अपने फ्रेंड के घर जाना है, और वो रास्ता है आपका इस टाइप से। ठीक, यहां से आप चले और आपको यहां तक आना। अब देखिए इसमें आपको क्या है, गेम है, आप जब अपने घर से चलोगे तो आप बिल्कुल सीधे सीधे चलोगे, यहां पर आई बॉल, अब आप जब मुड़ोगे तब भी आप क्या चलोगे, सीधे चलोगे, फिर बॉल आई, आप फिर इधर को मुड़ गए तो फिर भी आप कैसे चले, सीधे, मतलब डिस्टेंस आपकी कभी भी कैसे नहीं हो सकती, आपकी कभी भी डिस्टेंस रिवर्स नहीं हो सकती। ठीक है, क्या नहीं हो सकती, रिवर्स, आपकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, फॉरवर्ड ही रहेगी, कभी भी आपकी रिवर्स नहीं हो सकती। इसलिए अगर अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम मानते हैं आपकी 10 मीटर, और ये अराउंड 5 मीटर, और ये ले लेते हैं हम 2 मीटर, तो अगर कोई आपसे कहे बोले आपने बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा, क्या करा, टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर करा, तो टोटल डिस्टेंस आप कैसे बताओगे, 10 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 2 मीटर, तो कितना हो गया आपका टोटल, आपने डिस्टेंस कितना कवर करा अपना, 17 मीटर। ठीक है, और डिस्टेंस में मैंने प्लस वाली आपको बात बताई, आपकी डिस्टेंस हमेशा प्लस होती है, कभी वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, वो क्यों नहीं हो सकती, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये जो हमने बताया आपको एग्जाम्पल, आप यहाँ भी सीधा चले, यहाँ भी सीधा चले, यहाँ पर भी आप सीधा ही चले, कभी आप रिवर्स हुए नहीं, तो हम उसे डिस्टेंस को क्यों सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस, और आपकी यहां से एक बात और हमें पता चल गई, डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसे डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक,
अब देखते हैं हम आपका अगली डेफिनेशन क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट की। हमने डिस्टेंस इजीली समझ में आ गया हमारे, डिस्टेंस क्या होता है आपका द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। से डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ उसे चलना होता। ठीक है, जैसे इसमें हमने यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, इन सबको आप प्लस कर लो। अब सवाल है हम स्ट्रेट लाइन का कैसे, अब हम स्ट्रेट लाइन पे हम कैसे कर लेंगे, अगर हमें इसे नापना है, इसे मीजर करना है, तो हम क्या लेंगे, बोले एक मीजरिंग टेप लेंगे, उससे इससे नाप लेंगे, बोले कितना बैठ रहा है। बट अगर हमारे पास एक कर्व्ड पाथ है, अब हम इस कर्व्ड पाथ को हम कैसे करेंगे, कर्व पाथ है हमारे पास, हम इसे कैसे मीजर करें, क्योंकि इसके लिए तो हमारे पास कोई मीजरिंग टेप नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक स्टिंग, स्टिंग कह सकते हो, या फिर आप ले लो रोप। आप रोप लोगे, रोप को बिल्कुल सेम यहां से इसके ऊपर रखोगे, इसके ऊपर आपने यहां से रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, यहां पर आपकी लेंथ खत्म हुई। अब आपकी रोप इस टाइप से आप बिल्कुल सीधी कर लो, और अब इसे मेजरिंग टेप से मेजर कर लो आप, है ना, है आपका बिल्कुल इजी फंडा कर्व पाथ को भी मेजर करने का। ठीक है, अब हम आते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अब हमारी डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है आपकी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट भी क्या है आपकी, डिस्टेंस ही है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज, इज नोन डायरेक्शन इज नोन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या, जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में किसी भी बॉडी का, नॉन विद डायरेक्शन, देखो यहां पे मैंने डायरेक्शन नॉन लिख सकता है, आपको इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। ठीक है, इस कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट, उससे हम क्या कहते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट। जैसे अब मैं क्या करूं, मुझे सपोज करो इसका हम डिस्प्लेसमेंट निकालना, आप अपने घर से अपने फ्रेंड के घर गए थे, तो आप इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ जिससे हमें थोड़ा इजीएस्ट अंडरस्टैंड हो जाए ये चीजें। ठीक है, अब देखिए अभी हमने जो कहा था, हमने क्या करा था आपका, देखिए इसका आंसर क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक की आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है, तो आंसर है आप यहां से यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बना लो, यही तो होगी आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। अगर हम ले बोले इस टाइप से यूं ले लें, इसके पीछे से चला जाए, आगे से चला जाए, तब भी आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, यही रहेगी। ठीक है, तो हम बस इसे कर लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है आपकी, इनिशियल, ये आपका इनिशियल पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन में आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बता देता हूँ। इनिशियल का मतलब होता है आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, और फाइनल का मतलब आपका लास्ट, ये तो आपको पता ही है क्या। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, आपके स्टार्टिंग की पॉइंट और लो, और आपका फाइनल पॉइंट लो। ठीक है, फिर उन दोनों के डिस्टेंस, उस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो आपका ये होता डिस्प्लेसमेंट, जनरली डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय डी और एक्स, हम डिस्प्लेसमेंट को हमेशा डी और एक्स से डिनोट करते हैं। इसका देखो एक फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने का किसी का भी, ये सपोज करो ये आपका इनिशियल पोजिशन थी, इसे हम ले लेते हैं एक्स वन, ये हमारी फाइनल पोजिशन थी, इसे हमने ले लिया आपका एक्स टू। ठीक है, हमारे डिस्प्लेसमेंट यहां से क्या हो जाएगी, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये हमारी क्या आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला होता है। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ती है आप हमेशा करते हो एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, और ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, अब डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर। क्यों, ये भी आपकी क्या है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ। ठीक है, पर हम ये सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ निकालते हैं, और ये क्या है आपकी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है ये मैं भी मैंने बताया, हमने यहां से क्या निकाला, एक डायरेक्शन निकाली, सबसे शॉर्टेस्ट डायरेक्शन निकाली हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। ठीक है, वरना हम क्या कर सकते थे, हम सीधे सीधे जाके भी चले जाते, तभी भी तो हो जाता था, पर हमें ये नहीं करना, हमें सबसे शॉर्टेस्ट निकालनी है डिस्टेंस। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी जब ही निकलेगी जब हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, और द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये बात हमेशा ध्यान रखना, आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा लेस और इक्वल टू होगा
डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के, कभी भी वो आपका ज्यादा नहीं हो सकता। अब सोच रहे होंगे आप ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, इसे एग्जाम्पल में देखिए, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक चले थे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम चले तो हमारी डिस्टेंस कितनी निकली, 17 मीटर। अब हमने इसे बिल्कुल ही ज्वाइन कर दिया तो हमारी डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, हो गई नहीं हो गई कम। तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं, बोले हमारी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। और आप इसे इस टाइप से और लिख सकते हो, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आइए इसके बीच में एक डिफरेंस और देख लेते हैं। सो हियर वी हैव अ डिफरेंस टेबल बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो पढ़ते हैं इन्हें और इनके बीच में डिफरेंस निकालते हैं। पहला, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इन रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका, जो आपकी डिस्टेंस होती है वो आपकी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होती, उसे सिर्फ चलना है। जैसे यहां से एक पॉइंट है ये आपका, ये तो ये पूरा क्या है आपका, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप चले, यहां से यहां तक आ गए, तो ये क्या हो गया, आपने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन। तो ये है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इनिशियल और फाइनल पोजिशन को आप ज्वाइन कर दो। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक काम करो, आप उसको जो फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट है दोनों को आप एक लाइन से ज्वाइन कर दो। लाइन से ज्वाइन करने का मतलब कर्व लाइन से मत करना, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना। ठीक है, तो वो जो इंटरवल निकल के आएगा, ये वाला जो है आपका, ये आपका इसका क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो अभी हमने पढ़ा। और डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें आपका डायरेक्शन का गेम नहीं होता, सिर्फ आपको सीधा चलना होता है। इसमें कहीं पे भी मुड़ोगे हमेशा सीधा चलोगे, पर डिस्प्लेसमेंट में अगर आप मुड़ोगे तो आप उल्टे भी हो सकते हो और सीधे भी हो सकते हो। अगला, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपकी जीरो कब होगी, जब आप अपनी इनिशियल पोजिशन से चलना स्टार्ट करोगे और इनिशियल पोजिशन पर ही आके रुक जाओगे। ठीक है, इनिशियल पोजिशन से आपने स्टार्ट करा और आप इनिशियल पोजिशन पर ही आके रुक गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो, क्योंकि आपकी इनिशियल पोजीशन सपोज करो हमने एक्स वन मानी, उसे माइनस किससे करेंगे हम, फाइनल पोजीशन से, वो भी क्या है आपकी एक्स वन, एक्स वन इज कैंसिल बाय एक्स वन एंड वी विल गेट द आंसर दैट इज जीरो। समझ गए आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगी। इसका हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं, आप अपने घर से स्कूल गए, आप अपने घर से स्कूल गए, फिर आप स्कूल से दोबारा घर आ गए। ठीक है, तो आप घर से ही निकले थे फिर घर पर आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। बट आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, जितना भी आपके घर से आपका स्कूल होगा उतना आपने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब ये हमने जीरो समझ लिया, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, अब समझते हैं हम आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा। पॉजिटिव से पहले एक हम केस नेगेटिव का देख लेते हैं, बोले आपका डिस्टेंस नेगेटिव कब होगा। ठीक है, नेगेटिव आपका जब होगा केस, जब आपका जो इनिशियल पॉइंट है एक्स वन वो आपका ग्रेटर होगा फाइनल पोजिशन से। ठीक है, मतलब आपके इनिशियल पोजीशन की लेंथ सपोज करो हम मानते हैं 15 मीटर, और आपका फाइनल पोजीशन जो होगा उसकी लेंथ होगी आपकी 10 मीटर, तो 10 मीटर माइनस 15 मीटर माइनस 5 मीटर। ठीक है, तो यहां पर आपका ये वेरीफाई कर जाता है। अब पॉजिटिव कब होगा, जब आपका इनिशियल पॉइंट एक्स टू वो सॉरी आपका फाइनल पॉइंट एक्स टू ग्रेटर होगा आपके इनिशियल पॉइंट से। ठीक है, ये हम अभी ये आपको बताएंगे, अभी ये हमने जो पॉइंट लिख रखा है पूरा, इसमें हम बताएंगे आपको वो पॉजिटिव कब होगा। देखिए, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, वो मैंने अभी बताया था, यहाँ पर बस इसका रिवर्स है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस और इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब ये आपका है सवाल है, व्हेन डू द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस बिकम इक्वल। क्या कभी ऐसा हो सकता है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाए,
हो सकता है भाई, देखते हैं ये जब होगा, जब आप इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन इट्स पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर आपकी बॉडी मूव करेगी एक स्ट्रेट लाइन में, वो भी कहां, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय आर इक्वल एंड हैव द सेम साइन, हैव सेम साइन का मतलब यहां पर आपका पॉजिटिव, जो हम आपको यहां बता रहे थे, बोले आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव इस फॉर्म में होता है, हो गया आपका, ठीक है। देखो कैसे, एक बार और देख लेते हैं, जब आपका ये सपोज करो ए बॉडी है, ये कोई बॉडी आपकी ए, ये आपकी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन पे, एक और बॉडी है आपकी बी, ये भी आपकी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, दोनों ने सेम पाथ कवर करा है और सेम टाइम में करा है, तो ये क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही आपके सेम डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, तो ये दोनों कैसे हो गए आपकी, सेम हो गए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज हमने क्या समझा, आज हमने समझा आपका डिस्टेंस क्या होता, डिस्प्लेसमेंट क्या होता, और ये दोनों कब आपस में इक्वल हो जाते हैं।